मेरा नाम तक्षवीर कोठारी, मैं मध्य उत्तर कोलकाता ज्ञानशाला से हूँ। आज मैं महावीर स्वामी की कथा सुनाने वाला हूँ। जब महावीर स्वामी माता के गर्भ में थे, तब माता को चौथे सपने उन्हें देखे थे, जिनसे उनको पता चला कि उनका बेटा या तो महान चक्रवर्ती या फिर तीर्थंकर बनेगा। और आपको एक बात और बताऊं, महावीर स्वामी को अवधि ज्ञान था। जब वो माता के घर में थे, वो सोचे कि मेरे हिलने ढुलने से माता को कष्ट होता है, और फिर उन्हें हिलना ढुलना बंद कर दिया। माँ तो माँ ही होती है, माँ बाहर से रोने लगी, खाना बाजा नाचना कूदना सब बंद हो गया और गाना भी बंद हो गया। जब महावीर स्वामी बाहर का माहौल देखे, तो वापस उन्हें हिलना ढुलना शुरू कर दिया और फिर मन मन में संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता नहीं चले जाते, तब तक मैं घर को नहीं छोड़ूंगा। और आपको एक और बात बताऊं, जब वो जन्मे थे ना, तो पहले उनके सेलिब्रेशंस करने भगवान इंद्र आए थे, तो वो उनको मेरु पर्वत पर लेके गए थे, तो वो उनके छोटे से बाल रूप को देखकर उनके मन में शक हुआ कि ये सुकोमल बालक 1008 कलश को सह पाएगा। तो महावीर स्वामी को तो अवधि ज्ञान था ही, बस वो अपने पांव के थंब को बस टच करवाए जमीन पे, उससे में जमीन टूटने लगी। फिर इंद्र को गुस्सा आया, वो बोला, कौन है ये दुरात्मा जो इस मंगल प्रसन्न में विघ्न डाल रहा है। तब वो ध्यान किए तो उन्हें पता चला कि ये तो महावीर स्वामी है। फिर वो बोले, ये क्या, मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो अपने प्रभु की शक्ति नहीं पहचान पाया। फिर उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, क्षमा कीजिए देवाधिदेव। फिर उनने सारे देवताओं को बोला, अब उत्कृष्ट भाव से प्रभु का जन्माभिषेक मनाया जाए। ओ, आज तो उनका बर्थडे है, तो आज हम लोग को उनको कुछ गिफ्ट देते हैं ना बर्थडे में, तो आज हम